नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी और द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आप सबके लिए दोस्तों, आपके जो चेयरमैन हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डॉक्टर DP जरौली की तरफ से दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा किया गया। इसी के साथ दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी दोस्तों आप सबके लिए अच्छी न्यूज और संकेत दिए हैं दोस्तों। और L1 में बोनस और द्वारा रिजल्ट जारी भी होगा। जी हां दोस्तों, L1 का भी होगा, L2 का तो होगा ही। पद बढ़ने के बाद दोस्तों की कटऑफ में कितना आपको गिरावट देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको रीट शिक्षा भर्ती की पल पल की अपडेट दोस्तों मिलती रहती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों L1 में बोनस अंक को लेकर और द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर और 39,000 पदों पर बढ़ोतरी को लेकर। तो ये देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को हाईकोर्ट का नोटिस है दोस्तों, मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, 2 सप्ताह का जो समय है दोस्तों वो आज समाप्त हो रहा है। ये देख सकते नीचे, इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। तो आज इसको लेकर सुनवाई दोस्तों। L1 में लगभग दोस्तों आपके 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिन पर आपत्ति लगाई गई थी। ये देख सकते हैं, याचिकाकर्ता कर्माराम की ओर से अधिवक्ता OP सांगबाबा बैरूलाल जाट ने उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर बोर्ड की उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी दोस्तों। अधिवक्ता सांगवाबा जाट ने बताया कि बोर्ड के द्वारा जो जारी उत्तर कुंजी है उसमें कई प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, जो सही हैं उनको सही मानते हुए गलत उत्तर को सही माना गया। यानी कि जो सही ऑप्शन था दोस्तों उसको सही नहीं माना गया, जबकि गलत ऑप्शन को सही माना गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाणिक पुस्तकों में जो उत्तर दे रखा है उसको सही नहीं माना गया। तो ऐसे में दोस्तों इसकी एक विशेष कमेटी बनाई जाए और इनमें बोनस अंक दिए जाएँ और L1 का रिजल्ट द्वारा जारी किया जाए। तो L2 की दोस्तों संशोधित आंसर की आ चुकी है और इनका रिजल्ट भी द्वारा आएगा। और जो अपडेट है उसके अनुसार दोस्तों L2 का रिजल्ट 8 दिसंबर से पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब L1 के लेकर दोस्तों आज शाम तक आपके लिए कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी, या दोपहर तक कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी दोस्तों। कोर्ट का आज सुनवाई होनी है दोस्तों, ये नीचे देख सकते हैं, 3 दिसंबर को आज आपकी सुनवाई होनी है। कई प्रश्नों पर आपत्ति है दोस्तों। RBSE के अधिकारी ने बताया कि 2 नवंबर को जारी हुए रिजल्ट के बाद 7 प्रश्नों में बोनस अंक दिए थे, वहीं 2 में ऑप्शनल आंसर को सही माना गया। बाद में स्टूडेंट ने आपत्ति मांगी, इसमें स्टूडेंट ने अंग्रेजी के पक्ष में आपत्ति दर्ज करवाई, जिसे सही मानते हुए अब संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे अंग्रेजी के प्रश्न में आपत्ति दर्ज करवाई गई, L1 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अब उन पर भी दोस्तों आपको जो बोनस अंक मिल सकते हैं। 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम दी थी, जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ L1 वाले स्टूडेंट, तो L1 वाले लगभग दोस्तों आपके जो पात्र स्टूडेंट है वो 3.4 लाख हैं, यानी कि 3,40,000 स्टूडेंट है दोस्तों। और आपका रिजल्ट दोस्तों 8 दिसंबर से पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, जी न्यूज़ की तरफ से अपडेट आएगी दोस्तों, रीट जो किस रिजल्ट जारी होगा, अपडेट रिजल्ट आंसर की में मिली है गड़बड़ी, इतने अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। तो लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूँ कितने स्टूडेंट प्रभावित होने वाले हैं, तो L2 के लगभग 11 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आज प्रभावित होगा दोस्तों। उनका रिजल्ट अब किसी भी समय जारी हो सकता है और दोस्तों रिजल्ट के बाद भी आपकी कट ऑफ में भी आपको गिरावट या फिर दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और L1 का भी दोस्तों जो है रिजल्ट है वो द्वारा जारी करने की मांग आ रही है। इसी बीच दोस्तों जी राजस्थान की तरफ से आपके लिए ट्वीट आया है, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर 31,000 से 50,000 करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में जयपुर में दोस्तों स्टूडेंट लगातार आंदोलन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर दोस्तों। और जो आपके शिक्षा मंत्री हैं BD कल्ला, उन्होंने संकेत दिए कि पदों में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर नीचे का कॉलम अगर आप ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों, तो सरकार भी पद बढ़ाने के मूड में है, लगभग 39,000 पदों की घोषणा होने की संभावना है। तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज है दोस्तों, 39,000 पद आपके बढ़ाकर किए जा सकते हैं। हालांकि मांग 50,000 की है, लेकिन दोस्तों 50,000 पद किए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और 8 दिसंबर से पहले दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी विज्ञप्ति भी लगभग 10 दिसंबर तक आ जाएगी। और दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि अभी NIOS वाले स्टूडेंट हैं उनका DLED जो है BSTC L1 में शामिल करने का मामला है, लगभग 30,000 स्टूडेंट। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो विज्ञप्ति है उसमें देरी हो रही है और L1 का भी दोस्तों रिजल्ट है वो द्वारा जारी किया जाएगा, आज इसको लेकर अपडेट आ जाएगी। कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों, कट ऑफ में कितनी आपको गिरावट है वो देखने को मिल सकती है अगर दोस्तों आपका रिजल्ट आता है तो। लगभग दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट का जो मैंने देखा है 1 या 2 नंबर कम हुए हैं, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर बढ़े भी हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पद हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं तो कट ऑफ आपकी स्वाभाविक सी बात है कि जो 105 वाला स्टूडेंट है उसके भी चांसेस बन जाएंगे। अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो 105 से लेकर 128 प्लस सभी स्टूडेंट यहाँ पर दोस्तों
जो है उनके चांसेस रहेंगे कैटेगरी वाइज रीट आंसर की में बदलेगा मेरिट का गणित। तो दोस्तों किसी के देखते कई दौड़ में होंगे शामिल, तो दोस्तों अब दौड़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे और रीट लेवल द्वितीय कई के एक नंबर और कहीं का बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नीचे अगर आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट का नंबर बढ़ा भी है। अब रिजल्ट में दोस्तों पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट के नंबर बढ़े हैं। हालांकि स्टूडेंट ने आंसर की से अपने जो है नंबरों का मिलान कर लिया है दोस्तों, फिर भी अब जो रिजल्ट आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपके नंबर कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट में सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ 118 125 रहेगी दोस्तों, सामान्य वर्ग की कट ऑफ है ये, और जनरल ओबीसी और मैं बात करूँ एस सी एस टी में लगभग 110 तक भी कट ऑफ जा सकती है सामान्य की है। और सामान्य वर्ग की कट ऑफ इसमें दोस्तों 125 से 126 जा रही थी, वो 132 तक 135 तक L2 में कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बीएड वालों को जो है L1 से बाहर कर दिया गया है। और आपका रिजल्ट की दोस्तों कवायद है वो शुरू कर दी गई है, अब रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको चैनल पर दोस्तों रीट के रिजल्ट से संबंधित या फिर दोस्तों इसकी कट ऑफ से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। और आज दोस्तों आपकी जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होगी दोस्तों बोनस अंक को लेकर, और कहीं ना कहीं L1 वालों के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि दोनों की तरफ से याचिका लगाई गई है L1 L2, और देखना होगा दोस्तों कि किसको यहाँ पर दोस्तों कोर्ट है वो फ़ायदा देता है। L1 वालों का रिजल्ट तो द्वारा आना ही है, L2 का तो आना ही है दोस्तों, L1 का भी आ सकता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रीट शिक्षा भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।